हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 27 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी परीक्षा के लिए आईटीबीपी के जनरल हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, उक्त कहावत के किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि है। किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि होगी? छलकत जाए, इसमें अशुद्धि हो जाएगी। छलकत जाए, तो ये दिया गया ना, छलकत जाए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खालिस्तान की ओर बढ़ रहा है, उचित शब्द चुनकर वाक में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लक्ष्य आ जाएगा रिक्त स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रकांत खाली स्थान दिया गया है, पूर्वक सबको निमंत्रण दे गया है। चंद्रकांत पूर्वक सबको निमंत्रण दे गया है, उचित शब्द चुनकर वाक में रक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आ जाएगा कि चंद्रकांत विनय पूर्वक सबको निमंत्रण दे गया है, तो विनय आ जाएगा यहाँ पर विनय आ जाएगा खाली रिक्त स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न वाक्यों में से पूर्ण भूतकाल के वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको पूर्ण भूतकाल के वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, मैंने उसकी कविता सुनी थी, तो ये जो वाक्य है ना आपका, ये भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा के प्रसार के साथ किसी क्षेत्र की परिभाषिक भाषा के शब्द और प्रयोग सामान्य भाषा में घुल मिल जाते हैं, इस वाक्य के अशुद्ध वर्तनी वाले भाग की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए परिभाषिक भाषा के शब्द और प्रयोग, तो ये आपका अशुद्ध भाषा वाला शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आलू और इस दुकान में भिंडी नहीं मिलती है, उक्त वाक्य में कुछ वाक्य खंडों के क्रम अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि इस दुकान में आलू और भिंडी नहीं मिलती हैं, सी ऑप्शंस सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों और वाक्य खंडों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग। ग्राम स्वरोजगार योजना की कहा कि वे मुख्यमंत्री ने घोषणा करेंगे, तो सही क्रम, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग ना सुमेलित कर सकते हैं या क्रम को स्थापित कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। जिन लोगों ने 17 तारीख को एग्ज़ाम दिया है और 15 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों को पता होगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। अब 19 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है, 18 या 19 को पेपर हुआ है, जैसे ही वो पेपर हमको मिलेगा वो पेपर भी मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूँगा। अब देखिए 27 तारीख को एग्ज़ाम आप लोगों का होना है, तो अभी तक 15 और 19 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, 15 शायद 18 को हुआ है कि 19 को हुआ है, कोई क्लियर नहीं है। तो दोनों पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगर पीडीएफ ना मिले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल निःशुल्क में, पैसा नहीं देना है आप लोगों को। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस जो हैं किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों का सीएसएफ फायरमैन का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो भी इस पेपर को देख लें, क्योंकि इस पेपर में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा।
क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जीके जीएस में हिंदी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। जिन बच्चों का सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम है और जिन बच्चों का आईटीबीपी का एग्जाम है वो भी देख लें, और जिन बच्चों का सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम है वो भी देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में वाक्य विन्यास शुद्ध है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में वाक्य विन्यास शुद्ध है। समालोचक के रूप में द्विवेदी जी ने किसी नूतन शैली की उद्भावना नहीं की, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा नमा, निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको क्या कहते हैं, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको कहते हैं बोधगम्य, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्कंद शब्द के विपरीत अर्थक का चयन करें। तो स्कंद का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, तो भैया मेरे स्कंद का विपरीत अर्थक शब्द होता है रचना, इसे हम रचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मादिबोधक अव्यय है। तो किस वाक्य में विस्मादिबोधक अव्यय है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अच्छा तुम 10 साल पहले यहाँ आए थे, तो इसमें जो है ना विस्मादिबोधक अव्यय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से तत्कालिक वर्तमान काल के वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तत्कालिक वर्तमान काल के वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो छत पर अनाज पड़ा है, छत पर अनाज पड़ा है, तो ये जो ना ये वर्तमान काल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि छत पर अनाज पड़ा, तो वर्तमान वर्तमान को दर्शा रहा है, मुख्य अतिथि आ चुके हैं, मुख्य अतिथि आ चुके हैं ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पढ़ने से ये पता चल जाता है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में नाम बोधक क्रिया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस वाक्य में नाम बोधक क्रिया है, तो देखिए इसमें उसका सब कुछ भस्म हो गया, इसमें नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से ईषत शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। तो ईषत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ईषत शब्द का विलोम शब्द होता है प्रचुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिकने मुंह का ठग होना, मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। चिकने मुंह का ठग होना यानी ऊपर से मीठी बातें करने वाला किंतु अंदर से धोखेबाज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न वाक्य में किस कारक को इंगित कर रहा है। यहां से 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, तो यहाँ पर देखिए संबंध व्यक्त कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह गीत खाली स्थान है, चुराया हुआ नहीं, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यह गीत स्वरचित है, चुराया हुआ नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है, सोगल अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन काल से ही भोपाल धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों की मुख्य खाली स्थान रहा है, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो प्राचीन काल से ही भोपाल धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों की मुख्य भूमि रहा है, तो यहाँ पर जो है ना भूमि आ जाएगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है पढ़ने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेखांकित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें। आज तुमने मुझे वह उपहार दिया है जिसे कभी भुलाया ना जा सके। तो जिसे कभी भुलाया ना जा सके उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अविस्मरणीय, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि चील के घर में मांस कहाँ, उक्त कहावत कब कही जाती है, चील के घर में मांस कहाँ, ये कहावत कब कही जाती है। कोई किसी के पास ऐसी वस्तु पाने की आशा करे जो उसके पास बचती ही ना हो, तब कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए गद्यांश भी आएगा, ये भी आपको पता होगा, तो जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि गद्यांश भी पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही आंसर छांटिए। मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति हजारों वर्ष पुरानी है। अनुसंधान एवं वस्तु निर्माण की शक्ति से युक्त मानव ने सभ्यता के विकास के साथ एक से बढ़कर एक उपयोगी चीज़ें खोज ली, उपकरण बना लिए, वस्तुएं निर्मित कर लीं। इसी क्रम में क्रमशः उन्होंने मादक द्रव्य ढूंढ निकाले एवं उनका प्रयोग करना सीख लिया। भारत के प्राचीन ग्रंथों में सोम और सुरा शब्द का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि वैदिक पौराणिक कालीन भारतीय मादक द्रव्य से परिचित थे और विशेष अवसरों पर उसका सेवन करते थे। आज हम जब मादक द्रव्य सेवन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किसी सामान्य स्तर के अवसादधारी मादक द्रव्य से नहीं होता। आज ऐसे अनेक मादक द्रव्य बना लिए गए हैं जिनका सेवन मन, मस्तिष्क, शरीर और तंत्रिका प्रणाली पर तीव्र प्रभाव उत्पन्न करता है और प्रयोगकर्ता की अंतर्निहित शक्ति को क्रमशः हर लेता है। प्राचीन भारतवासियों के लिए सुरापान बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बना अथवा नहीं, यह अनुसंधान का विषय हो सकता है, किंतु आज जिन मादक द्रव्यों के सेवन से लोग फंस रहे हैं यह निश्चय की अत्यंत भयावह समस्या बनती जा रही है। यह ना तो किसी एक देश की समस्या है, ना ही एकदम नहीं है। फिर भी जिस रूप में यह भारत में उभरी और बढ़ी है ये वह किसी सीमा तक आयातित एवं नई है। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक स्थिति यह थी, कुछ लोग मादक द्रव्य सेवन में रुचि लेते थे, शेष उससे मुक्त रहते थे। किशोर एवं युवा वर्ग के व्यक्ति प्राय मादक द्रव्य सेवन से दूर ही रहते थे, किंतु आज पश्चिमी देशों की देखा देखी भारतीय किशोरों युवाओं में भी आदत तेजी से फैल रही है। दुख की बात यह है कि किशोर किशोरी एवं युवक युवती विशेष रूप से इनकी चपेट में आ रहे हैं। इस समस्या का सर्वाधिक प्रभाव महानगरों पर पड़ रहा है। तो क्वेश्चंस क्या है, उचित गद्यांश के उचित सारांश का चयन करें। तो ये जो गद्यांश है ये किस पर आधारित है, तो देखिए ये जो है ना ए ऑप्शन, पहले देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, सभ्यता के विकास के साथ अन्य उपयोगी वस्तुओं की खोजी तो मानक द्रव्य ढूंढ निकाले गए। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इनका उल्लेख भी मिलता है। मादक द्रव्य से अभिप्राय सामान्य स्तर के अवसाहधारी मादक द्रव्य से ना होकर मन, मस्तिष्क, शरीर और तंत्रिका प्रणाली पर तीव्र प्रहार कर शक्तिहीन बना देने वाले मादक द्रव्य हैं। यह किसी देश की समस्या नहीं है, किंतु भारत में किशोर और युवाओं इसकी लत तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिमी देशों की देखा देखी में विशेष रूप से महानगरों में भारतीय युवा इसका अंधाधुन सेवन कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस क्या है, उपयुक्त गद्यांश से मादक द्रव्यों के विषय में क्या विशेष जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आंसर जो आपका सी है, ऑप्शन सही हो जाएगा। मादक द्रव्यों के सेवन से मन, मस्तिष्क, शरीर तथा तंत्रिका प्रणाली पर तीव्र प्रभाव उत्पन्न होता है जो प्रयोगकर्ता की अंतर्निहित शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गद्यांश का, निम्न में से कौन सा विकल्प समस्या शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समवाय, समवाय जो है ना ये समस्या शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश में आज के जीवन किस वास्तविक समस्या को उठाया गया है। गद्यांश में आज के जीवन की किस वास्तविक समस्या को उठाया गया है। भारतीय समाज में मादक द्रव्यों को बढ़ते सेवन की समस्या भयावह समस्या पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग हिंदी का टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश में दिए गए तत्वों के आधार पर भारतीय समाज में मादक द्रव्यों के बढ़ते सेवन के क्या कारण हैं। मादक द्रव्यों के सेवन की बढ़ती लत किसी सीमा तक आयातित है और पश्चिमी देशों के अनुकरण में भारतीय किशोरों युवाओं में यह आदत तेजी से फैल रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।